बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। निफ्टी 85 अंकों की तेजी के साथ 18,200 के ऊपर बंद। बैंक निफ्टी 428 अंकों की शानदार तेजी। शिखर से बस चंद कदम दूर। शानदार नतीजों के बाद एसबीआई के शेयरों में शानदार तेजी। लोन ग्रोथ 20% तक पहुंची। हमसे खास बातचीत में बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा, कॉरपोरेट और रिटेल दोनों सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद। बीकाजी फूड और ग्लोबल हेल्थ आईपीओ में पैसे लगाने का आज आखिरी मौका। अब तक करीब 25 गुना भरा बीकाजी फूड्स का इशू, वहीं अब तक 8 गुना भरा ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ। नेचुरल गैस की कीमतों में जबरदस्त रफ्तार। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में 10% तक का उछाल, 570 रुपए के पार। सर्दियों में मांग बढ़ने के अनुमान से कीमतों को सपोर्ट। भारत में भी एक महीने के अंदर लागू हो जाएगा ट्विटर का नया पेमेंट सिस्टम। एलन मस्क ने खुद दी जानकारी। पीडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की बड़ी जीत। गरीब सवर्णों को मिलता रहेगा आरक्षण, 5 में से 3 जजों ने पक्ष में दिया फैसला। सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया था। आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस महेश्वरी ने कहा, आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं। हिमाचल में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैली। ऊना, मंडी और सोलन में की चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश को दी देव दीपावली की शुभकामनाएं। ट्विटर पर लिखा, महापर्व सभी श्रद्धालुओं के जीवन को सुख समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद दे। देव दिवाली से पहले जगमगाए वाराणसी के घाट। घाटों को दीयों और लाइटों से सजाया गया। वाराणसी में जोरों शोरों से चल रही है देव दीपावली की तैयारी। बनारस के सभी 84 घाटों को 10 लाख दीयों से किया जाएगा रोशन। पीएम मोदी ने गुजराती में दिया नया नारा, आ गुजरात में बनाऊ छे, मतलब ये गुजरात मैंने बनाया है। पीएम ने अपने भाषण में लोगों से कई बार नारा लगवाया। गुजरात में राहुल गांधी करेंगे चुनावी जनसभा। भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक के वक्त राहुल करेंगे सभा। रैली की तैयारियों में जुटे कांग्रेसी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 8वां चरण आज महाराष्ट्र के नांदेड़ से शुरू होगा। राहुल गांधी 10 नवंबर को नांदेड़ में रैली को करेंगे संबोधित। मंडी में हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर का रोड शो। कार्यक्रम के दौरान लाखों लोगों ने मुख्यमंत्री का किया अभिवादन। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को लिखी एक और चिट्ठी, मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। लिखा, सत्येंद्र जैन और डीजीपी जेल ने मुझे धमकी दी। सुकेश की चिट्ठी पर बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना। आदेश गुप्ता ने कहा, केजरीवाल की एक वसूली कंपनी है दिल्ली के जीरो में, केजरीवाल के वसूली एजेंट। आदेश गुप्ता ने कहा, सत्येंद्र जैन ने वसूली के रिकॉर्ड तोड़े, जेल से ही वसूली हो रही है, सत्येंद्र जैन को मंत्री से हटाया जाए। गुप्ता ने सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की मांग रखी। कहा, वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन की जेल बदलकर यूपी या हरियाणा भेजा जाए, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, दोनों पार्टी मिलकर लड़ रही है चुनाव। दिल्ली शराब घोटाले मामले में व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाएगा सीबीआई। केस में आरोपी हैं दिनेश अरोड़ा। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की याचिका।
कर्नाटक में सड़क हादसे में पूर्व आईबी अधिकारी आर एन कुलकर्णी की मौत पर सस्पेंस बरकरार, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र सरकार का साधा निशाना, बोले भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं कई बड़े बॉलीवुड सितारे, लेकिन देश में डर के माहौल के चलते पीछे हटे। गुलाम नबी आजाद का जागा कांग्रेस प्रेम, बोले गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस ही कर सकती है बीजेपी का मुकाबला। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी दलों के प्रतिनिधियों की बुलाई बैठक, एमसीडी चुनाव को लेकर होगा मंथन। पी चिदंबरम का पीएम मोदी पर निशाना, कहा प्रधानमंत्री लोकतंत्र को कमजोर कर रहे, पीएम ने कहा था प्रत्याशी नहीं कमल देखें। दो दिन के रूस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूसी विदेश मंत्री लावरो से करेंगे मुलाकात, अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यूपी के सहारनपुर में देवबंद रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य का लिया जायजा, कहा स्टेशन की बिल्डिंग को देवबंद के पवित्र तीर्थ स्थल के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाए, ये तय किया गया है। मोरबी ब्रिज हादसे का गुजरात हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, गृह विभाग, शहरी आवास, मोरबी नगर पालिका, राज्य मानवाधिकार आयोग समेत राज्य सरकार के अधिकारियों को जारी किया नोटिस, कोर्ट ने राज्य सरकार से एक हफ्ते के अंदर मांगी घटना की पूरी रिपोर्ट, 14 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। नोएडा के गारमेंट फैक्ट्री में छापा, आयकर और जीएसटी विभाग की संयुक्त टीम ने की रेड। आर पार के मूड में केरल सरकार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है केरल सरकार। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में गोलाई, मार्केट पर चला बुलडोजर, दुकानदारों ने खाली की दुकानें। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 पहुंचा, मुंडका में 359, आनंद विहार में 347 दर्ज हुआ AQI। NCR में भी प्रदूषण की दर हाई, नोएडा में 332, गुरुग्राम में 325 और फरीदाबाद में 328 AQI। प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी का आप पर निशाना, शहजाद पूनावाला का ट्वीट, दिल्ली का AQI 400 के पार, आरोप प्रत्यारोप में जुटी है सरकार, साफ हवा में कब लेंगे सांस। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा, आवारा पशु से टकराने के बाद डिवाइडर से भिड़ी गाड़ी, हादसे में 4 युवकों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पालघर में 2 स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में टक्कर, हादसे में करीब 20 से ज्यादा यात्री घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुग्राम प्रशासन गिराएगा चिंटेल, सोसाइटी का एक टावर आज ध्वस्त करने की तारीख हो सकती है तय। भारत में अवैध हैकर्स के जरिए राज्यों को बनाया जा रहा है निशाना, ईमेल और फोन में सेंधमारी की आशंका। दिल्ली में सेना के शीर्ष कमांडर्स का 5 दिवसीय सम्मेलन, आज से 11 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन, सुरक्षा की नई चुनौती पर होगी चर्चा। भारत का पहला स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार, सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइल को कर सकती है नेस्तनाबूद। चंद्रमा और मंगल के बाद अब शुक्र ग्रह पर इसरो की नजर, साथ ही जापान के सहयोग से चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का पता लगाने की है तैयारी। चेन्नई मैसूर वंदे भारत का ट्रायल रन, चेन्नई के सेंट्रल स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है M107 155 mm प्रोजेक्टाइल्स, अमेरिका ने खास तौर पर इटली के लिए बनाए थे विस्फोटक।
लुहांस्क में रूस आर्मी का जोरदार हमला, यूक्रेन का बुशमास्टर प्रोजेक्टेड मोबिलिटी विकल्प तबाह, ऑस्ट्रेलिया ने भेजा था सैन्य उपकरण। परमाणु खतरे के बीच बाइडेन सरकार ने प्रतिनिधि ने रूस से की बातचीत, जेलेंस्की ने जताई थी ऊर्जा नियंत्रण पर हमले की आशंका, युद्ध से यूक्रेन के 4.5 मिलियन लोग प्रभावित। रूस यूक्रेन पर लगातार कर रहा है हमला, MSTAB होविजर तोप से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, हमले का वीडियो आया सामने। बखमुट इलाके में जारी है आरपार की लड़ाई, वैगनर ग्रुप के खिलाफ लड़ रही है यूक्रेन की सेना। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का हमला, तेल डिपो में लगी भीषण आग। बेलग्रोद तेल डिपो में उठी आग की लपटें, हवा में उठा काले धुएं का गुबार। यूक्रेन ने मार गिराया रूस का UAVA ऑर्लन 10, असॉल्ट ब्रिगेड ने किया एयर डिफेंस। जर्मनी ने यूक्रेन पर हमले के लिए की रूस की मदद, वॉर प्लेन में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल किया सप्लाई, रूस ने यूक्रेन पर की बमबारी। यूक्रेन की राजधानी कीव को पूरी तरह खाली कराने की तैयारी, यूक्रेनी प्रशासन ने बिजली गुल होने के बाद लिया फैसला।